शेर कश्मीर एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी कैंपस चट्ठा, यहाँ पे लगा हुआ है कृषि मेला। और कृषि मेला में अलग अलग स्टॉल्स हैं और उसी में एक स्टॉल है एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट का। यहाँ पे एरोमेटिक मेडिसिनल प्लांट्स की प्रदर्शनी है। तो मैं अगर फोकस करूँ और दिखाना चाहूँ, ये जो फलियों वाला प्लांट है, फलियाँ लगी हुई हैं और साथ में ही ये नीले फूल हैं। बहुत ही धार्मिक लता है जिसको बोलते हैं अपराजिता या विष्णुकांति, विष्णुक्रांति भी नाम है, अपराजिता भी नाम है और गोकर्णी भी इसका नाम है। तो ये क्लाइंबर जो है गार्डन्स में पार्क्स में तो लगती है, लेकिन विष्णु की पूजा में इसका फूलों का एक अलग महत्व है। और साउथ ईस्ट एशिया में तो इसकी चाय भी पी जाती है फूलों की, जब फूलों से हम कलर कर सकते हैं पुलाव को, तो ये एडिबल कलर जो है वो भी इससे मिलता है। तो क्लाइटोरिया टर्नेटिया इसका नाम है, ये प्रदर्शित है यहाँ पे। एक और आप देख रहे हैं जिसको बोलते हैं न्याजबो आसिमम बेसिलिकम, कश्मीरी में इसी को बोलते हैं बबरी ब्योल और डोगरी में इसको मल्ली या खड़मल्ली भी बोला जाता है। और उसके पत्ते काफ़ी एरोमेटिक हैं। तो ये तुलसी की ही दूसरी स्पीशीज़ है, दूसरी प्रजाति है। जम्मू के घरों में अक्सर दोनों प्रजातियाँ आसिमम बेसिलिकम, ये नाजपोश या मल्ली खड़मल्ली या बबरी ब्योल, इसको भी लगाया जाता था। साथ में ही दूसरी जो आम तुलसी है आसिमम टेनुई फ्लोरम या सेंटम, उसको भी लगाते हैं। और ये आंखों के लिए बहुत ही लाजवाब है और फूड कलर। और इसकी जो सीड्स हैं, खासकर जब नवरात्रे हों या गर्मियों के दिनों में अगर रोजे रखने पड़ें और प्यास को दूर करने के लिए, ये बहुत बेहतरीन शरबत है, एरोमेटिक शरबत। और इसी के ऊपर देखिए आप, चूँकि प्लांट लाइव है तो इसी में एक जो है छोटी सी तितली भी अपना जो है अनुराग ही नहीं, अपना फूड तलाश रही है। तो ये जो पीलोपिडास जो है, जिसको स्किपर भी बोलते हैं, ये बटरफ्लाई जो है इस वक्त फूलों पे है। ऑसिमम जिसको बोला बेसिलिकम स्वीट बेसिल, ये भी हम यहाँ पे देख पा रहे हैं। और इसके साथ ही हमारी वो मार्श हर्ब है, मार्शेस में ही होती है, वेटलैंड्स डिचेस जहाँ तालाब हो, जहाँ बाबली हो, उसके बगल में ही ये पौधा मिलता है और एरोमेटिक है। अकोरस कैलमस कच्छ कहा जाता है, लेकिन बेसिकली संस्कृत का नाम जो है वचा है, तो वी से आएगा, लेकिन वचा से ही बच भी हो जाता है। लेकिन जो टेस्ट डोगरी नाम है वो है बरिया, और कश्मीर में इसको वाई बोलते हैं, वाई गंडर। और काफी धार्मिक पौधा माना जाता है। और जो कश्मीरी पंडित जो है, जब एक उनका नवरेह होता है तो एक थाली भरन एक रिचुअल है, उसमें भी इसकी जो राइजोम है उसको रखा जाता है। अकोरस कैलमस जो है वो बड़ा वल्नरेबल थ्रेटन्ड, क्योंकि हैबिटेट इसकी डिस्ट्रॉय हो रही है, तो ये कम भी होता जा रहा है। तो ऐसे पेड़ पौधों को चिन्हित करके स्कूल के हर्बल गार्डन्स में और बाकी जगहों में इसको इंट्रोड्यूस करने की जरूरत है, ताकि इसकी एक्सेस टू कंजर्वेशन हो सके। इसका घर जो है वो तो उजड़ रहा है। एकोरस कैलमस एरोमेटिक मेडिसिनल प्लांट, उसी श्रेणी में आता है जिसको बोलते हैं अश्वगंधा वाइथेनिया सोमनीफेरा, और इंडियन जिनसिंग का मुकाबला करता है। ये जिनसिंग तो कोरियन प्लांट है, जिसको बोलते हैं पेनेक्स जिनसिंग या पेनेक्स सीडो जिनसिंग, जो नॉर्थ ईस्ट में होता है हमारे इंडिया में। लेकिन ये प्लांट जो है बिल्कुल नेटिव है इंडिया का, इसको बोलते हैं वाइथेनिया सोमनीफेरा। सोमनीफेरा मतलब, हालांकि इसमें स्पेलिंग इसमें भी गलत है, SOMNIE होता है। सोमनी मैंने नींद, फेरा मैंने बियरिंग, ऐसा प्लांट जो नींद इंड्यूस करे, ट्रैंक्विलिटी इंड्यूस करे, जो स्ट्रेस को दूर करे, इसलिए इसका नाम है सोमनीफेरा। और ये जो है वाइथेनिया है। और खास बात जो है मैं दिखाना चाहूंगा, ये है नीर ब्राह्मी जिसको कहते हैं बकोपा मोनेरिया, जो पैडी फील्ड्स में खास करके लीव्स इसमें अपोजिट रहते हैं और हल्के नीले रंग के फूल होते हैं इसमें। और ये मार्शेस में ही दिखती है जी हर्ब।
और साउथ इंडिया की ब्राह्मी भी कहते हैं इसको, मत्स्याक्षी भी इसको कहा गया। जिस तरह से मछली की आंख होती है उसी के तरह इसका जो है आकृति फूलों की दिखती है, और इसको बोलते हैं जल ब्रह्मी, नीर ब्रह्मी, बैकोपा। इसको कन्फ्यूज ना करें, जो जम्मू में हमें दूसरी जगह पे ब्राह्मी मिलती है, जब मांडुक पर्णी इसको कहते हैं संस्कृत में, इसका नाम संस्कृत में है मत्स्याक्षी बैकोपा मुनीरिया, लेकिन ये प्लांट जो है ये है मांडुक पर्णी, जिसको बोलते हैं संताला अशाटिका। और किडनी शेप इसके पत्ते हैं, या ब्रेन के साथ भी हम कह सकते हैं, ब्रेन की तरह शेप के पत्ते हैं, और ये मेमोरी इन्हांसर प्लांट माना गया। और इसकी हम चाय भी पी सकते हैं, इसके पत्तों को बॉयल करके एक ब्राह्मी चाय, हर्बल टी। और इसके साथ ही एक और पौधा लगा हुआ है जिसको हम कहते हैं एक्मेला या स्पाइलेंथिस। ऐसे अकर करा तो आम लोग कह देते हैं, लेकिन ये एनासाइक्लस पायरेथ्रम नहीं है, जिसके साथ कई बार हम कंफ्यूज कर जाते हैं। ये प्लांट जो है ये है स्पाइलेंथिस एक्मेला, या एक्मेला भी कह सकते, जीनस में भी है, लेकिन एनासाइक्लस नहीं। लेकिन ये भी हाईली एरोमेटिक है, इसके जो फ्लोरल जो इन्फ्लोरिसेंस है उसको अगर च्यू करें तो माउथ में जितना भी रक्त होता है डिटॉक्सिफाई हो जाता है, दुर्गंध दूर हो जाती है। तो ये प्लांट भी घरों में लगने के योग्य है। मेंथा की बड़ी किस्म है, तो मेंथा की एक जो है जिसको बोलते हैं ये पेपरमिंट है, प्लम पेपर की तरह इसकी वो है टेस्ट, इसलिए इसको बोलते हैं पेपरमिंट। तो ये जो है उल्टा हो गया, ये जो है मेंथा ऑर्गेंसिस जंगल का पुदीना, लेकिन नाम जो है इन्होंने गलत लगा दिया, पाइपरेटा जो है ये नहीं है, ये है मेंथा ऑर्गेंसिस पुदीना पूतना, और ये वाला जो है मेंथा पिपरेटा है, लगा दिया गलती से ऑर्गेंसिस, ये ऑर्गेंसिस नहीं है, ये है मेंथा पाइपरेटा। तो ये कहीं चेंज हो गई है इनकी नेम प्लेट, मेंथा पाइपरेटा जो है मेंथा ऑर्गेंसिस। और मेंथा एक और बता रहे हैं ये, लेकिन इसके बारे में मैं कुछ कह नहीं सकता, मेंथा तो है ना लांगी फोलिया, ये भी डाउटफुल है, लांगी फोलिया नहीं है। मेंथा लांगी फोलिया हार्स मिंट होता है, और वो जम्मू में पन मिल चक्कियाँ जो हैं उसके अगल बगल में हम देखते हैं, लंबे पत्ते होते हैं उसके, लांगी फोलिया फोलिया लांग है ही नहीं, तो ये कुछ और होगा। एक है प्लेक्ट्रेंथस अम्बाइनिकस लिखा हुआ है, लेकिन आजकल इसका भी नाम बदल चुका है, आजकल इसका नाम जो है कोलियस भी कहते हैं, कोलियस अम्बाइनिकस प्लेक्ट्रेंथस, और पत्ता ज्वाइन बेसिकली। ये जो है इसके पत्तों में अगर हम मसल के देखें तो बिल्कुल अजवाइन की तरह ये दुर्गंध आती है, इसलिए इसका नाम पत्ता अजवाइन। जो अजवाइन मार्केट में मिलती है विश्व सीड्स भी इसको कहते हैं, जहाँ अजवाइन वो तो फ्रूट सीड्स हैं, उसके फ्रूट ही कहिए, लेकिन चलो छोटे छोटे जो हैं दाने जैसे, लेकिन इसमें वही केमिस्ट्री जो है पत्तों में है, इसलिए यह पत्ता अजवाइन कही जाती है। तो अजवाइन अलग प्लांट है, वो अम्बलीफर का प्लांट है, फैनल फैमिली का, कुल ही अलग है, और ये जो है पत्ता अजवाइन ये जो है मिंट फैमिली का प्लांट है, जैसे ये पुदीना है इसी की परिवार से ये भी लगता है। तो ये प्लांट भी यहाँ पे प्रदर्शित है, बड़ी अच्छी प्रदर्शनी भी है। और एक और प्लांट जो है जिसको बोलते हैं शतमूली, शताबर, एस्पैरगस रेसमोसिस, तो काफ़ी इसकी मूलियाँ जो है मूलियों की तरह ही इसकी रूट स्वोलन होती है और गुच्छे में निकलती है, इसलिए इसको 100 हजबेंड्स बोला गया, शत का मतलब ही 100 होता है, तो 100 तो नहीं होती मूलियाँ, 10-20 भी हो सकती हैं, 30-40 भी हो सकती हैं, अच्छी ग्रोथ हो तो 50-60 भी हो सकता है, 100 भी हो सकता है कभी मिल जाए। तो ये प्लांट जो है एडिबल है इसकी खास करके, टू और मेडिसिनल भी है। एक और प्लांट जिसको हम कह सकते हैं नेशनल मेडिसिन प्लांट है हमारा गिलोई, टाइनोस्पोरा कार्डिफोलिया, इसको मून सीड क्रीपर भी कहा जाता है, इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसका सीड जो है वो आधे चंद्रमा की तरह होता है, क्रिसेंट शेप, तो इसलिए इसका मून सीड क्रीपर। लेकिन इसका सीड अगर आपको मिले, लाल किस्म के फल होते हैं तो उसके अंदर से निकलता है सीड, तो इसकी जो स्टेम है यही एक ड्रग बनता है आयुर्वेदिक यूनानी, और इसको एंटी डायबिटिक भी माना गया, इम्यूनिटी को बूस्ट करने वाला,
बहुत ही इम्पोर्टेंट मेडिसिन प्लांट है और कोरोना कोविड क्राइसिस में भी लोगों ने इसको बहुत ज्यादा यूज किया। थोड़ा सा कड़वा रहता है लेकिन बाहर वाला जो छिलका है वो दूर कर लेना होता है, बॉयल करके पी सकते हो शरबत भी। और बार बार जो है जो तीलों पर रास नाम की बटरफ्लाई जाने दिखाई है, इस वक्त जो अंधेरा होता है तो ये बटरफ्लाई जो है आ जाती है। चूंकि यहाँ हरियाली है, लाइव प्लांट्स हैं, तो इसको भी अपना खाना जो है यहीं से कहीं खोजने में इसको लग रहा है कि यहीं से कुछ ना कुछ खाने को मिलेगा। और इसी में एक और प्लांट जो है जिसको बोलते हैं, ऐसे लोग तो जख्मे याद बोल देते हैं लेकिन जख्मे याद पाषाण वेद अलग है, वो तो वर्जीनिया प्लांट है। ये है कैलेंचो, या इसको बोलते हैं पत्थर चट, या बोलते हैं इसको ब्रायोफिलम, लेकिन आजकल इसका नाम है कैलेंचो। कैलेंचो का प्लांट जो है ये जले के ऊपर बड़ा अच्छा लगता है, माने इसको अगर कोई किसी का कोई एरिया कहीं पे जल जाए उबलते पानी से, चाय गिर जाए, तो एकदम हम इसके पत्ते का चूर्ण बना के, एक पेस्ट बना के उसको वूंड हीलिंग के तौर पे और जले हुए को जल्दी हील करने के लिए लगा सकते हैं। और क्रेजुलेशन एसिड मेटाबॉलिज्म टाइप ऑफ फोटोसिंथेसिस ये प्लांट करता है, इसीलिए आपको सकुलेंट दिख रहा है इसकी हैबिट और इट्स एफिशिएंट इन फोटोसिंथेसिस। ये क्योंकि इसका क्रेजुलेशन एसिड मेटाबॉलिज्म प्लांट जो है वो एफिशिएंट होता है और वेल सूटेड टू एरिड लोकेशंस। तो जैसे हम बात कर रहे थे कि भाई ये वाली जो है स्वीट बेसिल है ना, बबरी ब्योल भी कहते हैं या नाजपोश कहते हैं या मल्ली मल्ली ऑसिमम बेसिलिका, लेकिन ये वाली जो है ये है राम श्याम तुलसी, इसको बोलते हैं ऑसिमम टेनुइफ्लोरम। हालांकि इसमें लिखा हुआ है श्याम तुलसी, क्यों लिखा है श्याम तुलसी, क्योंकि कहीं ना कहीं इसमें श्याम रंग जो है स्किन के ऊपर स्टेम के ऊपर दिख रहा है। तो इसकी जो टिंज है ना, ये जो पर्पलिश टिंज है, इसके कारण इसको श्याम तुलसी बोला गया। और सफेद अगर हो तो फिर राम तुलसी होगी, तो राम और श्याम तुलसी बेसिकली स्पीशीज एक ही है, ऑसिमम टेनुइफ्लोरम, जिसको पहले कहते थे ऑसिमम सैंक्टम। तो बहुत बढ़िया तरीके से यहाँ इनके नाम लिखे गए हैं। एक और प्लांट जो है पीछे है एलो, एलोवेरा जिसको बोलते हैं एलो बारबेडेंसिस, एलो नाम एलोवेरा कुआड़ कंदल घी कुमारी। तो ये जो है प्लांट यहाँ पे ये भी बहुत मेडिसिनल है, इसका अचार भी बनाया जाता है, एंटी डायबिटिक भी है और बिल्कुल कंडी वेल्ट के लिए बहुत बढ़िया है ये एलो प्लांट। और एक जो है और प्लांट आपको दिख रहा है, ये तो हल्दी करक्यूमा, करक्यूमा डोमेस्टिका होना चाहिए, करक्यूमा लांगा लिखा है, हो सकता है लांगा भी हो सकता है। एक और प्लांट है इसके बगल में है नीचे जो फ्लावरिंग में है, ये है स्टीविया, स्टीविया रेबार्डियाना, जिसे स्वीट लीफ ऑफ पैरागुए कहा जाता है, जहाँ पैरागुए की मीठी पत्ती है। तो इसके शुगर फ्री पिल्स भी आती है मार्केट में और एंटी डायबिटिक माना जाता है, अगर पत्ते को चबाएंगे तो बेहतरीन मीठा लगेगा, इतना बढ़िया मीठा कि शुगर केन को भी। तो शुगर जो चीनी होती है इसमें बहुत ज़्यादा है, इसमें शुगर और मिठास भी बहुत है। हालांकि ये हमारा प्लांट नहीं है, अमेरिका का प्लांट है, लेकिन आजकल जो फार्मर्स हैं प्रोग्रेसिव फार्मर्स इसको लगाए जा रहे हैं। स्टीविया रिवार्डियाना जो हमारी करक्यूमा हल्दी है अरित्रा, उसके बगल में ही है पौधा भी है। तो यहाँ पे कुछ और पौधे हैं जिसमें एक प्लांट भृंगराज, जो बालों को काला करने के लिए अच्छा माना जाता है, एक्लिप्टा, उसके साथ ही हम दिख रहे हैं अदरक, ये अदरक है जिंजिबर ऑफिसिनिया, तो ये भी बहुत इम्पोर्टेंट मसाले के रूप में इस्तेमाल होता है घर घर में, ये किचन में तो होता ही है। ये एक और इम्पोर्टेंट मेडिसिन प्लांट है सर्पगंधा, सांप क्यों, इसलिए इसके नाम अंग्रेजों ने डाला स्नेक रूट, क्योंकि अगर इसकी आप रूट देखेंगे तो वो नीचे से सांप की तरह होगी, मैंने टेढ़ी मेढ़ी मुड़ी हुई इसलिए, और कई बार इसको स्नेक बाइट में भी इसलिए दिया जाता था डॉक्ट्रिन ऑफ सिग्नेचर्स, कि जैसी शक्ल वैसा ही हमारी बॉडी पार्ट पे शायद वो फायदेमंद हो। तो चूंकि ये सांप की तरह जड़ दिखाई दे रही है, इसलिए सोचा बुजुर्गों ने
आयुर्वेद आचार्यों ने कि स्नेक बाइट में इसको यूज कर सकते हैं, स्कॉर्पियन बाइट हो जाए तब भी, लेकिन बेसिक पर्पज इसका जो है वो है ब्लड प्रेशर हाइपरटेंशन में, इसमें निकलता है रेसरपीन ड्रग। और एक हमारे इंडिया के थे बहुत ही जाने माने साइंटिस्ट जिन्होंने इसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा काम किया, रॉयल फिया सरपेंटेना पे अजमल साहब थे वो, और हकीम अजमल खान, और इनके नाम से ही एक फाइटोकेमिकल जो इसे आइसोलेट किया उन्होंने उसका नाम रखा गया अजमलेसिन। तो ये अजमलेसिन जो है रेसरपीन के साथ साथ ये अल्कलॉइड्स हैं जो इस प्लांट में मौजूद होते हैं, तो ये प्लांट थ्रेटन्ड कैटेगरी में है आजकल रखा जाता है। नेटिव हैबिटेट नेचुरल हैबिटेट में ये कम हो गया है, लेकिन ये हमें पार्क्स में गार्डन्स में हर्बल कलेक्शन में जरूर मिल जाता है। और इसके साथ एक और आपको दिखाएं मगा जिसको डोगरी में कहा गया, जहाँ पिपली या फिर लॉन्ग पाइपर या पाइपर लॉन्गम जिसके दूसरी स्पीशीज काले मिर्च में होते हैं, काले मिर्च वाले प्लांट जो है वो पाइपर नाइग्रम है और ये वाला है पाइपर लॉन्गम। तो इसको भी कई किस्म के रेस्पिरेटरी ट्रबल्स में इसका जो फल है उसको खाया जाता है। मुस्ली क्लोरोफाइटम का प्लांट है जिसको गोल मिलियन करके लिखा, और एक और प्लांट है जिसको इंसुलिन प्लांट करके लिखा, बेसिकली कॉस्टस को ये प्लांट है। कॉस्टस स्पीशियोसिस तो होता है हमारे विल्डरनेस में भी, शिवालिक्स में भी मिल जाता है, उसके सफेद फूल होते हैं और अंग्रेजी में इसका नाम है स्पाइरल जिंजर। पत्तियों को ध्यान से देखोगे तो उनका जो अरेंजमेंट है अटैचमेंट जो है वो स्पाइरल है, स्पाइरली क्वाइल्ड लीफ अरेंजमेंट, सो इसलिए इसको कहा जाता है स्पाइरल जिंजर। जिंजर अदरक परिवार का ही सदस्य है और इसी की दूसरी स्पीशीज है कैमिकॉस्टस कस्पिडेटस और एक है कैमिकॉस्टस स्पीशियोसस, और इसको तो बहुत पुराने टाइम से कॉस्मेटिक्स में भी यूज करते रह गए हैं और इवन कामसूत्रा में भी इसका जिक्र आता है। इस केमुक लिखा हुआ है वहां, केमुक नाम का पौधा अदरक परिवार का, ये भी यहाँ पे प्रदर्शित है। एक और प्लांट यहाँ प्रदर्शित है जिसको बोलते हैं रोजमेरी, रोजमेरी सॉफ्सिनेलिस एरोमेटिक प्लांट है, काफी ज्यादा रोजमेरी का तेल जो है जिस तरह से लेवेंडर ऑयल है और उसी तरह से रोजमेरी ऑयल, ये स्लीप इंड्यूसिंग है, ट्रैंक्विलिटी इंपोर्ट करता है, तो ये प्लांट भी हमको यहाँ पे दिख रहा है। और इसके साथ साथ अगर आप डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड प्रोडक्शन की बात करें तो हमको ये प्लांट्स जो हैं इन्होंने रखे हैं, ब्राह्मी एलोवेरा मेंथा सिट्रेटा स्पैरागस स्टीविया तुलसी अश्वगंधा हॉर्स रेडिश जिंजर और गार्लिक। तो एक प्लांट जो है वो हो सकता है वो वाला जिसका मुझे थोड़ा अलग लग रहा है कौन सा मिंट है वो मिंट जो है इसमें इन्होंने लिखा है कुछ, लेकिन ये प्लांट जो है इसका दिखना पड़ेगा, ये वाला मिंट जो है क्या है इसको कहीं इसकी जो खुशबू है अगर हमने खुशबू लें तो खुशबू जो है काफी तेजी लग रही है, ये भी मिंट तो है लेकिन ये मिंट मेंथा लॉन्गिफोलिया नहीं है, एटलीस्ट वो करेक्शन इनको करनी पड़ेगी। तो यहाँ पे अगर हम बगल में देखें दूसरा जो लगा हुआ है यहाँ पे, तो कुछ एग्जॉटिक प्लांट्स को ज्यादा जगह दी गई है। एक और चीज है क्लोबेसिल, ये क्लोबेसिल है ऑसिमम ग्रेटिसिमम, बहुत बढ़िया तरीके से यहाँ प्रदर्शित है, लेकिन ये जो प्लांट है ये यूफोरबिया टिक्कीमेलाइटिस जिसको माना जाता है कि बायोडीजल प्लांट है, हाइड्रोकार्बन रिच प्लांट है, तो इससे आजकल बायोडीजल भी लगा रहे हैं, तो ये ड्रेसिनांस है, हालांकि ये सारे एग्जॉटिक सी हैं। यहाँ पे ये भी हमारा यूफोरबिया है क्राउन ऑफ थॉर्न्स यूफोरबिया मिल रहा है, ये भी एग्जॉटिक है, तो ये पेंटेड नेटल कहते हैं ओलियस है, ये सारे एग्जॉटिक प्लांट ही फ्लोरिकल्चर का है, ये फ्लोरिकल्चर डिपार्टमेंट है। आजकल आपके जो है एग्जॉटिक्स की तरफ जो बाहर वाले पौधे उनकी तरफ ज्यादा आपका वो चला गया ध्यान, यहाँ के अपने जो फूल हैं रजनीगंधा उस तरह के या
तो यहाँ पे एक बुके जैसा बनाया, ऊपर तो गुलदौदी है, नीचे जो है एस्पैरागस के पत्तियां हैं, फिर नीचे चले जाओ तो आपको कार्नेशन जो है वो भी, उसके फ्लावर्स जो है रेड पिंक ये भी आपको दिख रहे हैं, डायंथस केरियोफाइलस, साथ में ये इक्का दुक्का जो भी है ये ग्लैडियोलस है, और यहाँ पे भी आपको दिख रहे हैं ये कॉम्बिनेशन है वाइट गुलदौदी का, क्राइसेंथेमम जो नेशनल फ्लावर जापान भी है, और कार्नेशन है डायंथस केरियोफाइलस पिंक, और जो कलरफुल तो नहीं है लेकिन वाइट पिंकिश टिंज देने वाला ये जो है ये है ग्लैडियोलस, डोगरी में हम इसको तलवारी कहेंगे क्योंकि पत्ता जो है तलवार की तरह होता है, तलवारी, लेकिन अब जम्मू के डोगरे जो हैं माली भी अब इसको ग्लैडियोलस नाम से ही पहचानते हैं। तो ये आप देख रहे हैं गुलदौदी, बीच में गुलाब है। तो सबसे बढ़िया जो स्टॉल मुझे लगा ये है डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर, जिन्होंने बहुत ही बेहतरीन पौधे, चाहे वो आसिमम ग्रेटेसिसिमम हो, चाहे वो क्लाइचोरिया टर्नेटिया हो, आसिमम बसिलिकम हो, चाहे सिम्बोपोगान की बहुत सी स्पीशीज है, सिम्बोपोगान कम्यूटेटस है, सिम्बोपोगान सिट्रेटस है, सिम्बोपोगान विंटरियनस है, मैंने ये लेमन ग्रासेस की हैं, ऑरेंज मिंट मेंथा पाइपरेटा कपूर तुलसी ये जो है वो भी लगाई हुई है इन्होंने, ऑसिमम की स्पीशीज है मुझे लगता है शायद ये राम तुलसी है, क्योंकि ये वाइट है तो इसलिए ये राम तुलसी है, ये वाली शाम तुलसी थी अगर, तो ये वाली वाइट जो है वह राम तुलसी है, ऑसिमम सेंटम या ऑसिमम टेनुई फ्लोरम, और प्लेक्टरेंथस एम्बोइनिकस, और ये जो है सदाबहार प्लांट भी लगा हुआ है, सदाबहार जिसको बोलते हैं कैथरेंथस रोजियस पेरिविंकल सदा सोगन नयन तारा, ये एंटी कैंसरस प्लांट है, इसमें से एल्कलॉइड निकलते हैं बिन ब्लास्टीन एंड बिन क्रिस्टीन, तो बहुत ही इम्पॉर्टेंट मेडिसिनल प्लांट है, डेकोरेटिव तो है ही, बेसिकली नेटिव टू अफ्रीका, स्टैंड्स इंट्रोड्यूस्ड इन अवर गार्डन्स, हर्बल गार्डन्स, और काफी इसकी चाय भी लोग पसंद पीना करते हैं, पीते हैं लोग, खासकर जो डायबिटिक पेशेंट्स हैं। तो ये पौधे जो हैं हमको यहाँ पे दिख रहे हैं, इस तरह की बहुत ही बेहतरीन किस्म का ये एक प्रदर्शन किया हुआ है डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड प्रोडक्शन।